ये हमारे साथ सबक वजी खजाना डॉक्टर पाशा मौजूद हैं साथ ही हमारे साथ मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट आरिफ हबीब साहब भी मौजूद हैं उन दोनों से सवाल से बात करेंगे पाशा साहब मैं पहले आपसे जानना चाह रहा हूं स्टेट बैंक ने शराय सूद भी कम कर दी जिसके लिए आप बार बार कह रहे थे और पैकेज भी हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है कैसे देख रहे हैं आप, आप मैं समझता हूं कि अगर ये काफी नहीं है मगर दिस इज अ राइट स्टेप और यह राइट डिसीजन है एंड वी वेलकम इट और आप किस लिए कह रहे हैं कि काफी नहीं है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि हुकूमत को खुद को बड़ा फिजिकल स्पेस मिलता शरासु ज्यादा कम होती और और, और बेहतर फैसला होता और तेल की कीमतों के हवाले से भी आप बताइएगा वो क्या मुनासिब कमी की गई है जो पंद्रह पंद्रह रुपए की गई है? जी मेरा तो ख्याल यही था कि इससे कुछ ज्यादा होता तो आपको और स्पेस मिल जाता और इससे फ़ायदा ये भी होता कि जो इस वक्त कर्जे जो हैं उनका बोझ हद से ज़्यादा हो चुका है हमारी इंडस्ट्री पर ख़ास पर एक्सपोर्ट सेक्टर पर तो उससे कुछ रिलीफ मिलती है अलबा कुछ ये भी कहा गया है कि शायद लोन्स की रीपेमेंट को आगे कर दिया जाए इसकी भी डिटेल्स अभी तक नहीं आए अगर ये होता है तो इससे यकीनन फ़ायदा होता है ये चीज़ हमें ख़ास तौर पे छोटे जो हमारे शोबे हैं एस एमईज़ जिसे हम कहते हैं उनके लिए जो सौ अरब का पैकेज अनाउंस किया गया है उसके भी कोई डिटेल अभी तक हमारे सामने नहीं आई है किस तरह उनको सपोर्ट किया जाएगा इसलिए कि वहाँ बहुत से जो वर्कर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं और उनको कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको शायद निकाल देंगे तो इसलिए हमें ये चीज़ देखना है कि कैजुअल वर्कर्स कहीं निकले ना अलबत्ता आपके जो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ आपने किया है मगर आपके जो डे टू डे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में हैं उनके बारे में भी आपको सोचना है उनका भी ख्याल करना है मतलब और शरद सूद के हवाले से बताएगा आपको लगता है कि पिछले हफ्ते जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट थी उसी में कर देते हालांकि उन्होंने इंडिया दिया था कि दोबारा भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हो सकता है मगर एक हफ्ते के अंदर दोबारा करना पड़ा इसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि स्टेट बैंक ने सिचुएशन को सही रीड ही नहीं किया था फिर प्रेशर पड़ा तनकीद हुई और अब करना पड़ गया उन्हें डेढ़ बेसिस पॉइंट का जी ये ये मुनासिब सवाल है आपका देखिए बात यह है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो आया है और सिर्फ आशारिया सात पाँच फ़ीसद जो कम किया गया उससे अंदाज़ा ये हो रहा था कि बिल्कुल वाज तौर पर वो स्टेटमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का यह कह रहा था कि कोरोना वायरस से अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पर कोई ख़ास बुरा असर नहीं पड़ेगा और ये तरह से एक ओवर कॉन्फिडेंस और कंप्लेसेंसी के नतीजे में वो डिसीजन लिया गया अब तीन चार दिन के बाद आप देखें किस रफ्तार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तकरीबन हम खुदा न खास्ता कल परसों तक हज़ार केसेस तक पहुंच जाएंगे अब एहसास हो रहा है कि हालात ख़राब हो सकते हैं तो यकीन जो पहला स्टेटमेंट आया कुछ एक हफ्ता पहले वह नामनासिब था सोचे समझे बगैर नहीं था और अल्लाह के फजल से बात यह है कि उन्होंने बदल लिया है एक सेंटेंस ज़रूर लिखा था कि हालात अगर तब्दील होते हैं तो हम अपनी पॉलिसी बदल सकते हैं और उसको देखते हुए उन्होंने बदल लिया है ये अच्छी बात है